चलो देखो न्यूलैंड कास्ट नियम क्या है, सिंपल सा समझना बस। न्यूलैंड का अष्टक नियम सिंपल सा है, समझो बात को, बस क्या था कैसे है और कुछ नियम है और कुछ नहीं, बस एक एक आध एग्जांपल बता देते हैं, सिंपल से समझ में आ जाएगा। देखो वैज्ञानिक का नाम क्या लिखे थे, ठीक, जॉन न्यूलैंड, कब खोज किए थे, 1866 में। पहले समझो बताया गया था, जैसे देखो बात सुनिए, सुनो बात को, बताया गया था कि अगर एक पक्ति हो, एक ठो पक्ति हो, उसमें 8 आदमी, कितने आदमी, 8 आदमी, हमने कहा भाई एक पक्ति उसमें 8 आदमी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। क्या करना है, करा है कि जब भी अगर सीरीज गिनी जाएगी, ठीक, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसको कितना नंबर दिया गया, 8, और इसको दिया गया 1 ना? तो इनके नियम का ये सिद्धांत है कि नहीं, कि जो भी तत्व होगा, देखिएगा ये समझ लो, मान के चलो कि लाइन में लगे हुए व्यक्ति हैं, सबसे पीछे वाला व्यक्ति है, ठीक, आई सबसे आगे वाला, समझ बात को, ये सबसे पीछे वाला और ये सबसे आगे वाला, हमेशा पीछे वाला यानी कि एक कह दिया जाए, अभी आप देखना कराया कि एक असफल व्यक्ति कॉपी किसकी करता है, सफल व्यक्ति ना, अच्छा एक छोटा बच्चा अपने से छोटे बच्चे का नकल नहीं करेगा, किसका करेगा, जैसे अगर मान के चलो एक तरीका बता रहा हूँ कि एक छोटी सी बच्ची है, ठीक, छोटी सी बच्ची 4 साल की है और उसकी एक छोटी सी और बच्ची है और उसकी उसकी छोटी सी एक सिस्टर है, वो 3 साल की है, वो अपने छोटी सिस्टर की नकल नहीं करेगी, किसकी करेगी, मम्मी की नकल करेगी, हो सकता है दीदी की नकल करे ना, नहीं दीदी मान के चलो कि स्टिक लेके किसी दिन उसको पढ़ाए तो वो क्या करेगी, वो ऐसे ही कॉपी राइट करेगी कि वो स्टिक ले लेगी और अपने छोटी वाली सिस्टर को पढ़ाएगी, होता ना सर, है कि नहीं, जैसे कुछ बच्चों को देखोगे कि स्कूल में आते हैं पढ़ाने के लिए, आएंगे पढ़ने के लिए तो पढ़ करके देखेंगे कौन सा टीचर कैसा किया था, बच्चों का नकल नहीं करेंगे कि फलाना ऐसा कर रहे थे ना, टीचर का नकल करेगा कि फलाना टीचर आए थे ऐसे कर रहे थे, तो वो भी आकर के वैसे कॉपी राइट करेगा कि चलो ऐसे देखा जाए। तो इनके का इनके अनुसार क्या था कि प्रत्येक कराया कि यदि किसी तत्व के कराया कि यदि तत्वों को उनके परमाणुओं के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक, बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, तो कराया कि इसमें क्या होगा कि 8वां तत्व, ठीक ना, 8वां तत्व इस पहले तत्व से समानता प्रदर्शित कर, ठीक, आयो सुन में जैसे हमने एग्जांपल दिया ना कि कभी भी एक छोटा बच्चा किसकी नकल करेगा, अपने से बड़ेगी, समझ बात को। अब आगे देख, जैसे मैं कह रहा है कि अगर लिथियम से शुरू किया जाए, किससे, लिथियम से, तो लिथियम से अगर शुरू किया जाए तो इसका 8वां तत्व क्या होगा, सोडियम, लिथियम से अगर शुरू किया जाए तो इसका तत्व आपके 8वां क्या होगा, सोडियम, और जब ये इसकी तुलना करेगा इन दोनों की तो इनके गुणों में क्या पा जाएगी, गुणों में समानता पाई जाती है, आए समझे, यानी कराया यदि लिथियम से सीरीज लगाया जाए ऐसा करके तत्वों की श्रृंखला, ठीक ना, तो कहाँ जाएगा 8वां तत्व, सोडियम पे, ठीक है, जिसके गुण किससे मिलेंगे, लिथियम से। इसी तरीके से कराया कि यदि सोडियम से शुरू किया जाए, किससे,
सोडियम से शुरू किया जाए तो इसका आठवां तत्व क्या आएगा, पोटेशियम। क्या आएगा? पोटेशियम। और इसके गुण किससे मिलते जुलते होंगे? सोडियम से। ठीक, आए क्वेश्चन में? पोटेशियम। ठीक ना, यही था न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब देखिएगा, अब कुछ मामलों में कुछ चीजें नहीं हो पाती है, जैसे कुछ चीजें नहीं होती है कि हर चीज हर जगह लागू नहीं हो पाता, होता ना सर, कि हर चीजें हर जगह लागू नहीं होते हैं। क्यों नहीं लागू होते हैं ये सुनो। जैसे कह दिया जाए भाई कि अब जैसे एक स्कूल का नियम बन जाए कि सभी लोगों को अपनी आइडेंटिटी कार्ड लेकर के आना विद्यालय में। ठीक, सभी लोगों को अपनी आइडेंटिटी कार्ड लेकर के आना। पता चला कि नहीं कि भाई कि सभी लोग आइडेंटिटी कार्ड लेकर के, कोई ऐसा बच्चा भी है बिना आइडेंटिटी कार्ड का, तो ये होता है कि चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार जब आना तो क्या करना, ले लेना। तो ये क्या था, न्यूलैंड का अष्टक नियम करा है कि कुछ मामलों में विफल हुआ, विफल यानी वहां सक्सेस या उसको सफलता नहीं मिली। ठीक, उसको सफलता नहीं मिली। क्यों आप किसमें सफलता नहीं, कोई पूछे, देखिए एक चीज सुनिए आप लोग, कोई पूछे कि भाई कि कब नहीं सफलता मिली, तो कह सकते हैं कि कैल्शियम वाले तत्वों के साथ इसका प्रयोग क्या रहा, असफल रहा। ठीक, ये चीजें होती है। चलो लिख लो, इसके लिखिएगा आप अष्टक नियम की सीमाएं, न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमा। न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमा है, हो गया। अगर एक चीज अगर कोई पूछ दे, ठीक ना, कोई अगर क्या कर दे, पूछ दे, तो एक जानिएगा, जैसे नहीं संगीत में सारे गामा होता है, सारे गामा होता है ना, देखिए तो एकदम सिंपल सा है, आठों व्यक्ति का एक एक नाम याद कर लोगे तो जैसे होता है ना, देखो एक चीज बता देता हूँ तब वो याद हो जाएगा आपको कि नहीं, कि अगला आठवां शब्द एकदम वही मिलेगा जो पहले से शुरुआत होगा। देखो क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं सा, इसके बाद रे, फिर गा, फिर मा, फिर पा, होता ना इसे। अब इसके बाद देखो आइए अगला क्या है, धी, हो गया ना, धा लिखा जाता है धा, इसके बाद नी, और अगला फिर आठवां आया तो क्या लिखा, सा। ठीक ना, आप अगर कोई पूछेगा, देखिए एक चीज देखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे तो इन शब्दों को एक साथ लिख लो सीरीज में, ठीक ना, जहां पर सा वाला जाकर के मिलेगा समझ लेना कि इसकी गुण, इसके गुणधर्म कुछ न कुछ ये नहीं कि सेम होंगे, तब तो कोई मतलब नहीं, नाम भी एक जैसा हो जाएगा ना, इसके गुण इससे मिलते हुए होंगे, समझे बात को। जैसे देखिए सा पहले पे शुरू हुआ, फिर सा कहाँ जा चला गया, आठवें पे ना, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि इसी तरीके से तत्वों में होता है, समझे बात को, ठीक है ना। अब इसके लिख लीजिए सीमाएं, अब तो इसे उतारने की जरूरत नहीं है, बस ये तो सिंपल सा है ना। चलो लिखो इसकी सीमाएं, लिखो लिखेगा सीमाएं, न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमाएं।